गीत कह रहा है क्या? अरे प्यार का है ये ही दस्तूर, चुनाव निशान है ढोलक और हारमोनियम, लेकिन कीर्तनकार चारों ओर जाता है, इसलिए सुना रहा हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से टुकड़े को सुने। अरे एक ही अक्षर तो उसमें मिला क्या हमें? क्या? अरे एक ही अक्षर के पाए गए तीन, अरे एनडीए में तीन के तीन, और तीन बार तीन तो नौ आया बेहतरीन। तीन को तीन बार जोड़ा तो नौ आया, और नौ को शपथ ग्रहण हुआ। तीन का कमाल देखिए। अरे बारे तीन तो तीन बार तीन तो नौ आया बेहतरीन। अब जरा देखिए, बात अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा, बिल्कुल इस सरकार में मिला क्या कि दो
तो दाढ़ी मूछ वाले। क्या बात है, क्या बात है। दो लोग दाढ़ी मूछ वाले, दो दाढ़ी मूछ वाले, एक ज्यादा पूछ वाले। क्योंकि दूसरे लोग भी उनका इंतजार कर रहे हैं, अगर इधर आ जाए तो सरकार इधर बन जाए। क्या बात। तो दो दाढ़ी मूछ वाले, एक ज्यादा पूछ वाले, अरे सजा रहे तीनों ही केंद्र, तीनों केंद्र को सजा रहे हैं। क्या बात, क्या बात। और ये है कौन? नीतीश नायडू वानर। एक ही राशि में तीन तीन अच्छर है। अरे नीतीश नायडू वानरे, तो दो दाढ़ी मूछ वाले, एक ज्यादा पूछ वाले, सजा रहे तीनों ही के नीतीश नायडू वानरे। ओ नीतीश नायडू वानरे, ओ नीतीश नायडू वानरे, ओ नीतीश पंक्तियों पर प्रधान जी की ओर से। फिर माँ तो सदा बेटों का भला चाहती है, ये बात सत्य है कि कहते हैं कि तकदीर विधाता ने लिखा है, इसलिए तकदीर बिगड़ी हुई है और तस्वीर भी बिगड़ी हुई है। अब देख सकते हैं तस्वीर ज्यादा बिगड़ी हुई है, लेकिन माँ यदि माँ के हाथों से तकदीर सबका लिखा जाता तो न किसी की तकदीर बिगड़ती न तस्वीर बिगड़ती, क्योंकि माँ ही वो शख्सियत होती है जो अपना स्वरूप अपनी सुंदरता भी तज करके बच्चे के अंदर अपनी सुंदरता डाल देती है और कभी उसका बुरा नहीं चाहती, इसलिए तो उसे माँ कहते हैं। और माँ का कोई विकल्प नहीं हो सकता संसार में। और स्वयं का घर दीपक, स्वयं का दीपक, स्वयं घर का दीपक बुझाना पड़ा कभी कभी, ऐसा भी फर्ज निभाना पड़ा। बहुत ही सुंदर लाइन के साथ प्रयोग और गीत बहुत अच्छा रहा। फिर दोस्ती पिक्चर से तेरी दोस्ती मेरा प्यार गीत पर भी आपने सुना। चलिए मैं कुछ शीघ्रता से कुछ गायकों की आवाज सुनाता हूं अमीन सयानी के साथ, और फिर इधर क्रांतिमाला अपने आदरणीय बहना को बुलाया जाएगा। जैसे सुना होगा आपने रेडियो पर अमीन सयानी जी को कि जी हाँ बहनों और भाइयों, जी हाँ बहनों और भाइयों, ये लीजिए ये अब गीत बजने जा रहा है राजेश खन्ना जी पर फिल्माया हुआ गीत जिसे रफी साहब ने गाया था, और गीत बजेगा। ये रेशमी जुल्फे ये सैबती चेहरा, इन्हें देख कर जी रहे हैं जवी, इन्हें देख कर पी रहे हैं जवी। और इस तरह कुछ आवाज थी ना, अच्छी लग रही है, एक ताली बजा के बोलिए। और जी हाँ बहनों और भाइयों, अब आ रहे हैं बॉलीवुड से किशोर दा, इस पहले की याद तू आए और आंखों में लहू छाए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। नहीं, मैं ये शहर नहीं छोड़ जाऊंगा, ये शहर बड़ा प्यारा है, यही वो शहर है जहां से गुलाब जल छिड़का जाता है। बहुत ही सुंदर। और देखिए, जी हाँ बहनों और भाइयों, अब आ रहे हैं भोजपुरी की दुनिया से मनोज तिवारी। तो मनोज तिवारी दादा की आवाज आप तक पहुंचेगा तो ताली बजाइएगा। इस तरह गाते हैं, अरे कनवा में शोभे वाली
जुड़ा में लगा के जली चाल चलेली मत वाली बगल वाली जान मारेली हो है ना। और मुकेश जी का गीत, मुकेश जी इस तरह गाते हैं, जाने कहां गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहां गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे जहां भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। शंभु हलचल जी बड़े भैया की तरफ से 51 रुपयों का आशीर्वाद मिला। माता रानी आपके अंग संग रहे। राजेश मास्टर जी गुरु जी की तरफ से बैगावा के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 101 रुपयों का आशीर्वाद मिला। माता रानी अंग संग रहे भंडारे भरे। और जय हनुमान कमेटी की तरफ से श्याम सुंदर भैया की तरफ से 101 रुपयों का आशीर्वाद मिला, धन्यवाद भैया। और गंगा राम विमल बेहटा की तरफ से भैया की तरफ से 51 रुपयों का आशीर्वाद। अनाउंसर के लिए अच्छा धन्यवाद, उद्घोषक के लिए धन्यवाद, अर्थात मेरे लिए मैं भी देता हूँ भैया। तो इसके बाद जी हाँ बहनों और भाइयों अब आ रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब। तो मोहम्मद अजीज साहब का एक गीत है, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खफा न होना। ये गीत हर पत्नी को पति के लिए और पति को पत्नी के लिए गाना चाहिए, कोई किसी से खफा ना हो। माता रानी अंग संग रहे। चलिए अभी वाणी को विराम देते हुए और बुलाते हैं अपनी आदरणीय बहन क्रांति माला जी को, जोरदार तालियों से स्वागत करिए क्रांति माला जी। जी हेलो थोड़ा सा बाजे साहू जी, हेलो जी, हेलो हल्का सा बेस कम कर दे थोड़ा सा, हेलो जी हेलो बस केवल वॉल्यूम बढ़ा दिया, हेलो बेहतरीन, हेलो टेस्टिंग, हेलो बढ़िया होता है। yeah! सामने वाला जब जवाब देता है तो उसमें कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। अगर आपको लग रहा है लेकिन तो जवाब में भी लेकिन लग रहा है। मेरे गाने में केवल हनुमान और राम जी ही नहीं है, मेरे गीत में तीन लोग एक ही नाम के हैं, दो रावण हैं। एक रावण को राम जी तीर से मार रहे हैं, एक रावण को हनुमान तलवार से मार रहे हैं। लेकिन बात दो रावण है, एक ही नाम है त्रिशरा। एक त्रिशरा को राम तीर से मार रहे हैं, एक त्रिशरा को हनुमान जी तलवार से मार रहे हैं। फिर कुंभकर्ण, एक को राम जी मार रहे हैं, एक को हनुमान जी मार रहे हैं। तो आपके गाने के जवाब में भी देख लीजिए, केवल आपने बसाने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, इसकी भरपाई की है, बाकी मसाला उसमें सब गायब है। एक रावण और जब वो फंसता है तब मार खाता है।
तो उसमें भी जवाब में भी कमी है, ऐसा नहीं है। और आप स्वयं समझ रहे हैं कि गाने में एक ही नाम के तीन तीन जगह पात्र हैं और एक तीन से मर रहा है, एक तलवार से मर रहा है। समझदार के लिए इशारा काफी है, लेकिन फिर भी मैं आपके जवाब को स्वीकार कर रही हूँ। जितना भी जवाब आपने दिया है बहुत अच्छा है, बढ़िया, बहुत सुंदर महाराज। एक कटपीस आपने दिया है, उसका जवाब मेरी तरफ से। के प्यार का है यही सजा रहे तीनों ही खेल, नीतीश, नायडू व नरेंद्र। सब बोल चुड़िया, केवल नायडू कह देने से भरपाई नहीं होती। ये उनका पूरा नाम है चंद्र बाबू नायडू। ये तो जो तीन तीन आपने लगाया है, जबरदस्ती का सर्कस किया है। राज बदल गई, ये जबरदस्ती का सर्कस है। देखिए, मोदी जी का नाम एक ऐसा नाम है, योगी जी का नाम एक ऐसा नाम है, पूरा नाम ना लीजिए तो भी लोग जान जाएंगे। और क्या, लेकिन अगर आप केवल कहीं नायडू नायडू करिए तो लोग नहीं समझ पाएंगे, तमाम नायडू घूम रहे हैं। और क्या, एक तो सरोजनी नायडू, आपको चंद्र बाबू नायडू कहना पड़ेगा। और क्या, तो वहाँ तीन नहीं, वहाँ तो पाँच सात दस अक्षर चल रहे हैं। जबरदस्ती का कटपीस है, लेकिन अब तीन आपने छेड़ा है तो सुनिए, मैं निवेदन कर रही हूँ, और अच्छा लग जाए तो बस थोड़ा सा अपनी तालियों का आशीर्वाद दे दीजिएगा। सुनिए, वैसे अगर तीन की बात आए मांगी तो आजकल के युग में के झगड़े के कारण है तीन। सुनिए के झगड़े के
चर चोरू और जमीन। देखिए बात अच्छी लगा करे तो मिलकर ताली बजाया करिए, फुटकर में नहीं। ये बात लगना चाहिए कीर्तन में आप बैठे। झगड़े के कारण है ती चर चोरू और जमी, तो ओम के अंदर है अक्षर ती, ओम के अंदर है अक्षर ती और गांधी जी के है बंदर ती। बंदर ती, बंदर ती, एक है बेहतरीन। गांधी जी के बंदर तीन, लेकिन झंडे में तीन रंग पाए। तीन 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 चल रहा है कि झंडे में तीन रंग पाए, और जब भाजपा लिखेंगे इसमें अक्षर तीन पाए। भाजपा तीन झंडे में तीन रंग पाए, भाजपा में तीन अक्षर पाए, तो मुख्य विरोधी मिल गए तीन। भाजपा के मुख्य विरोधी भी तीन है, हालांकि मेरा भी किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमारी भी अपनी एक पार्टी है। और क्या, लेकिन अब आप सवाल गा रहे हैं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुख्य विरोधी मायावती, अखिलेश, राहुल गांधी, तो मुझे लिखना पड़ा क्या कि झंडे में तीन रंग है पाए, भाजपा में अक्षर तीन पाए, तो मुख्य विरोधी मिले तीन। लेकिन इधर बदल रहे भारत का सी, ये कौन तीन है? मोदी, योगी, शाह, बेहतरी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। मोदी, योगी, शाह, बेहतरीन, तो इनको अपने आप ही लोग जान जाते हैं। आपके मैं नायडू बताना पड़ेगा। तो बदल रहे भारत का सी, योगी, मोदी, शाह, बेहतरीन। Yeah।